ओके, तो अभी हम देख रहे हैं कि ये वाला स्टूडेंट डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर्म हम किस तरीके से बना सकते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे जाके इंसर्ट में जाके हमने यहाँ पर एक, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देखें कि स्टूडेंट डिसिप्लिनरी एक्शन लिखना है। तो यह हमने लिख लिया स्टूडेंट डिसिप्लिनरी एक्शन, टाइप करने के बाद हमने एंटर किया और उसके बाद लिखना है स्टूडेंट नेम। तो अब क्या करना है, अपने स्टूडेंट नेम लिखने के बाद, स्टूडेंट नेम लिखा हमने, यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई स्टूडेंट के, STUDENT, स्टूडेंट नेम लिखने के बाद हमने यहाँ पे यहाँ से लेके और उसके साथ शिफ्ट के साथ माइनस का बटन दबाया और यहाँ तक लिख दिया। एक टैब का बटन दबाया, दूसरा टैब दबाया, बल्कि एक ही टैब काफी रहेगा। और यहाँ पे नेम के लिए थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, यहाँ एक टैब दबाया और एश के साथ आईडी दबा दिया। जैसे ही आईडी दबाया तो यहाँ पे जाके आईडी और हैश लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट के साथ माइनस का बटन दबाया, ये यहाँ पे ले गए। हालांकि इसके लिए ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि नेम वाला सेक्शन ज्यादा बड़ा कर ले और ये वाला थोड़ा छोटा कर ले। तो यहाँ पे एक टैब कम कर लेते हैं और यहाँ पे एक स्पेस देके इसको इस तरीके से सेट कर लेते हैं। फिर चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे ग्रेड के लिए टैब करके आगे आते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं ग्रेड, शिफ्ट के साथ माइनस का बटन दबाते हैं, कॉलन का बटन दबा के। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। मैं जरा इसको साउंड को भी देख लूँ जरा। ओके ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके अब हम इंटर दबाएंगे और इंटर दबा के यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंटर करने के बाद तो इंटर करने के बाद हम यहाँ पर आके एक टेबल बनाएंगे जिसमें सबसे पहले एक रो क्रिएट करेंगे। तो इंसर्ट में जाके यहाँ से हमने क्लिक किया टेबल पर और यहाँ से हमने इसको एक रो बना दी। अब रो बनाने के बाद इसके नीचे एक और रो बनानी है, तो यहाँ लेआउट में जाके हम इंसर्ट ब्लू करेंगे और ये दूसरी रो बन जाएगी। इसके बाद इसको इस रो को चार हिस्सों में स्प्लिट कर देंगे। तो चार हिस्सों में स्प्लिट करने के लिए स्प्लिट सेल करेंगे और फोर कॉलम्स में यहाँ पे जाके इसको ओके करेंगे, चार हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा। अब इसमें देखिए दो कॉलम छोटे हैं दो बड़े हैं, तो इसके लिए हम यहाँ से पकड़ के इसको एक कॉलम को ऐसे छोटा कर लेंगे और दूसरे कॉलम को इस साइड पे थोड़ा मूव कर देंगे। जैसे इस साइड पर मूव करेंगे तो ये यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट ब्लो करेंगे, एक और रो इसी तरह की ऐड हो जाएगी। और उसके बाद नीचे क्लिक करके एक और रो ऐड कराएंगे इंसर्ट ब्लो करके, तो वो भी चार कॉलम में डिवाइड होगी। तो उसमें हमें करना सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे जाके इसको कर देना है मर्ज एंड सेल। मर्ज सेल करने के बाद एक और रो इसके नीचे ऐड कराएंगे डिस्क्रिप्शन वाली, और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में ही आ गया, उसकी गैप आ गया, उसके नीचे एक और रो ऐड कराएंगे, उसमें लिखेंगे हम डिसिप्लिनरी एक्शन टेकन और उस पर एक और रो ऐड करा देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन CRIPTION डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर जाके हम भेज रहे हैं डिसिप्लिनरी एक्शन, क्या है, एक्शन टेकन। तो यहाँ पे हमने इसको डबल क्लिक किया, कॉपी किया और यहीं पर इसको ले जाके पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे डिसिप्लिनरी एक्शन टेकन लिखना है, तो बस ये तो यहाँ पर ही हो जाएगा। इस तरीके से होम पे गए, यहाँ पे इसको क्लिक किया एक्शन और ये आ गया टेकन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके एंटर दिया और यहाँ पे हमने लिखना है टीचर वगैरह का, ये सारा डिस्क्रिप्शन डालनी है। तो यहाँ पर हमने लिखा टीचर, और टीचर लिखने के बाद यानी कि टीचर का नाम आएगा, उसके बाद कॉलन लगाना है और शिफ्ट का माइनस का बटन दबाना है। तो ये 50% पे आके यानी कि इसके नीचे 3 इंच के नीचे आके टैप दबाना है और थोड़ा आगे जाके फिर डेट लिख देना है, कॉलन लगाना है, शिफ्ट के साथ माइनस का बटन दबाना है और ये एंड तक लेके जाना है यहाँ तक, ठीक है। तो ये काफी रहेगा। अब उसके बाद क्या करना है, आपने सिंपली सिंपली ये करना है, इसको सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है कंट्रोल सी से, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी और ये कंट्रोल वी। कितनी बार चाहिए, एक दो तीन चार चाहिए, तो चार हो गए यहाँ पे, ठीक है। ये चौथा भी कंप्लीट करके इसको ऊपर ले ले। अब यहाँ पे सिर्फ आपने लिखना है स्टूडेंट पेरेंट और डिसिप्लिनरी एजेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर आएगा सबसे पहले टीचर, स्टूडेंट आ गया और यहाँ पर आके हमने इसको ले लिया पेरेंट, तो ये पेरेंट आ गया पेरेंट, और यहाँ पर आके डिसिप्लिनरी एजेंट आ गया, ठीक है, डिसिप्लिनरी एजेंट आ गया, ठीक है यहाँ पे। और ये थोड़ा सा बढ़ गया तो कोई मसला नहीं है, इसको बैक स्पेस करके कम कर लें, और ये थोड़ा सा कम हो गया तो उसके बाद शिफ्ट के साथ माइनस का बटन दबा के थोड़ा सा एडजस्ट कर लें ताकि ये इसके साथ और ये इक्वल इक्वल इस तरह से नजर आ जाए, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है, कंट्रोल एस करके सेव कर ले अपनी फाइल को, यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको क्लिक करेंगे इस तरह से, और यहाँ से जाके हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर टाइटल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको सेंटर करेंगे, इसका फॉन्ट साइज यहाँ से कम करेंगे, ठीक है, जितना रखना है रख लें। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको, यहाँ पर एक एंटर दबा दें ताकि थोड़ा गैप आ जाए बीच के अंदर, थोड़ा सा गैप आ गया। और उसके बाद यहाँ पे इनके अंदर लाइन्स के अंदर गैप डालने के लिए ताकि वो ईजिली इसके अंदर टाइप कर सके, तो 1.5 लाइन का गैप दे देंगे। अब रही बात इसकी, तो इसमें क्या लिखना है, इन्फ्रैक्शन लिखना है, इन्फ्रैक्शन इन्फ्रैक्शन लिख दिया हमने यहाँ पे, और इन्फ्रैक्शन लिखने के बाद नीचे डेट लोकेशन वगैरह लिखनी है, तो ये डेट लिख दिया हमने यहाँ पे और यहाँ पे लोकेशन लिख दिया हमने यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ आगे जाके हमने क्या कर दिया, टाइम लिख लिया हमने यहाँ पे। ओके डिस्कनेक्ट हो गया इधर।
अच्छा एक मिनट, ये डिस्कनेक्ट हो गया जरा। ओके तो ये दोबारा से एक्टिवेट हो गया। तो ये लिखने के बाद हमने इसकी कुछ सेटिंग करनी है, जैसे कि हमने इसकी सेटिंग यहाँ पे करनी है कि ये और ये थोड़े से बड़े साइज बड़े रखने। तो इसके बाद हमने यहाँ पे वर्ड में आ गए और यहाँ पे क्लिक करके लेआउट में जाके इसका साइज यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक कर लें, 1 इंच पूरा कर लें। तो डायरेक्टली भी 1 इंच लिख सकते हैं आप, यहाँ पे क्लिक करेंगे लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे जाके डायरेक्ट 1 लिख के एंटर कर दें, ये इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इनको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है तो इन पे क्लिक करके थोड़ा सा यहाँ से एक्सटेंड कर दें ताकि लिखने में आसानी रहेगी इनको, सही है ऐसे ही रहने में। अच्छा उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर बिल्कुल सेट है, यहाँ पे ब्लैक कलर का शेड लगाना है। तो पहले इसके टेक्स्ट को हम इसे सेलेक्ट करके सेंटर में ले आते हैं, तो यहाँ पे हमने इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे जाके सेंटर लेफ्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इंटरेक्शन वाले में डिवाइड डिजाइन में जाएंगे, शेडिंग में जाके यहाँ से ब्लैक पे क्लिक करेंगे, इस तरह से नजर आएगा। और उसके बाद यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और उसको जाके यहाँ पे डार्क ब्लू कलर पे कनेक्ट कर देंगे, तो डार्क ब्लू कलर पे ये इस तरह से नजर आएगा। और इस पर भी क्लिक करके डार्क ब्लू कलर हम अप्लाई कर देंगे तो इस तरह नजर आएगा। ये आपका क्रिएट हो गया स्टूडेंट डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर्म। फर्दर मोर इसके अंदर अगर आपने कलर वगैरह इसका चेंज करना है तो यहाँ से क्लिक करके इसको ब्लैक कर दें, यहाँ से अंडरलाइन करना है तो यहाँ से अंडरलाइन कर दें, और यहाँ पर थोड़ा गैप देना है इनके अंदर तो यहाँ से सेलेक्ट करके इनके अंदर लाइन के गैप को ऐड कर दें, यहाँ पे थोड़ा गैप देना है तो यहाँ पे एंटर कर दें ताकि ईजिली टाइप या राइट करने में आसानी हो। तो ये हमारा स्टूडेंट डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर्म क्रिएट हो गया।